सेकंड ग्रेड जो है ग्रुप सी का पेपर था, ग्रुप बी से ग्रुप का जीके का। तो हमारे सेंटर पर एक परीक्षार्थी आया, उसकी आईडी देख करके अंदर एंट्री दे दी। तो कुछ देर बाद ही एक सेम रोल नंबर का और एक कैंडिडेट और आया, फिर उसकी जांच की तफ्तीश की शिक्षकों के द्वारा। तो उसका आईडी पर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ वगैरह सब सेम था, सिर्फ फ़ोटो अंतर था। तो उनमें से संदिग्ध हुआ एक परीक्षार्थी। तो फिर दोबारा तफ्तीश करने पर फिर हमें पाया गया कि उनमें से कोई एक डमी है, जिसकी रिपोर्ट हम मतलब पुलिस वालों को दी गई। पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ लिया। अब उसकी आगे रिपोर्ट उसकी कार्रवाई कौन सी FIR दर्ज करा रहे हैं। हाँ, FIR दर्ज करा रहे हैं। कौन से स्कूल का मामला है ये? मास्टर आयतेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय विंग सेकंड। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलमणि चौधरी, मैं प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पर मुझे CS लगाया है। ये 8:30 बजे के आसपास आतिंद्रनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सूचना मिली थी कि वहाँ कोई डमी विद्यार्थी उन्होंने पकड़ा है। इस पर वहाँ जाकर देखा तो एक डमी विद्यार्थी प्रकाश कुमार, तहसील सांचौर, जिला जालौर का रहने वाला है। अब वो एक योगेश कुमार मीणा निवासी शेखपुरा जिला करौली की जगह पर एग्जाम देने के लिए आया था। वहाँ से दोनों ही को डिटेन कर लिया गया, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। कुछ सर, जो लोग पकड़े हैं, जो पेपर लीक मामले में पकड़े हैं 40 लोग, वो भी जालौर के रहने वाले हैं और ये भी जालौर का रहने वाला है, तो पेपर लीक से कोई कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ है क्या? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, इस संबंध में हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और अधिक पूछताछ करने के बाद भी इसमें कुछ कहा जा सकता है। इनका सौदा हुआ था क्या? सौदा, हाँ ये बात सही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इनमें 3 लाख में सौदा हुआ है। कहाँ पे हुआ था? ये जयपुर में हुआ है और जयपुर में ही ये दोनों ही तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान इनकी जानकारी जयपुर में एक दूसरे से हुई है। सर, ये जालौर का है तो इसके साथ और भी जो डमी कैंडिडेट है वो जालौर से यहाँ आए क्या, इस बारे में कोई जानकारी? वो अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है।